हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा लंच लेकर के आई हूँ। दिवाली पर आप लोगों ने बहुत कुछ खाया होगा, मीठा खाया होगा, बहुत हैवी खाना खाया होगा, तो बहुत ही सिंपल सा लाइट सा लंच आज हम बनाएंगे। तो बनाने वाले हैं कढ़ी चावल और भरवा भिंडी। तो सबसे पहले हम कढ़ी की तैयारी कर लेंगे। तो कढ़ी बनाने के लिए आधा लीटर के करीब मैंने यहाँ पर खट्टी छाछ ली है। 2.5 टीस्पून बेसन इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, अगर आपके इसमें गुठली रह रही है तो आप इसे एक बार छान लें। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा गैस पर चढ़ाने से पहले इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, ज़रूरी है, बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। और एक हरी मिर्च या 1 से 2 स्पाइसी वाली हरी मिर्च काट के, मोटी मोटी काट के डाल देनी है। गैस पर रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने तक लगातार चलाते रहेंगे। कढ़ी को आपको छोड़ना नहीं है वरना कढ़ी जो है वो फट जाती है। एक उबाल आने दें, उसके बाद गैस को कम कर दें और धीमी आंच पर इसे बीच बीच में चलाते हुए पकने दें। तो 20 से 25 मिनट तक हमें कढ़ी को उबाल लेना है, इससे कढ़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तब तक हम यहाँ पर भिंडी काट करके तैयार कर लेंगे। तो जितनी भिंडी आपको चाहिए उस हिसाब से भिंडी को अच्छे से धो लें, पोंछ लें, उसके बाद उसके दोनों सिरों को कट करें और बीच में एक इस तरीके से कट लगा लें जिसमें कि हमें मसाला भरना है। भिंडी जो है यहाँ पर बहुत छोटी छोटी और पतली पतली है, तो ये भरवा भिंडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट भिंडी है। भिंडी इसमें बीज भी कम होते हैं और ये जल्दी पक भी जाती है, तो एकदम फ्रेश भिंडी है। और इसके बाद हम इसके अंदर मसाला भर लेंगे। तो मसाले में यहाँ पर हमें लेना है स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 2.5 से 3 टीस्पून या जितना स्पाइसी आप पसंद करते हैं उतना लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी मसाले में ज़्यादा रहेगी तो भिंडी जो है एकदम मसालेदार बन के तैयार होगी। सारे मसालों को मिक्स कर लेना है और भिंडी में भर के रख लेना है। तो जब भिंडी बनानी हो उसी टाइम पर मसाला डालें, नहीं तो नमक की वजह से भिंडी अपना पानी छोड़ देगी और भिंडी जो है थोड़ी सी चिपचिपी बनने लगेगी। तो इस तरीके से हमने मसाला रेडी कर लिया है। यहाँ पर फटाफट से गार्लिक कूट लेते हैं। गार्लिक डालेंगे भिंडी में तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो 5 से 7 कली यहाँ पर लहसुन को मैंने कूट लिया है और जब तक हम यहाँ पर पानी बॉईल करके इसमें चावल डाल देंगे। तो 1 कप बासमती चावल है, इसे मैंने पहले से आधा घंटा पहले पानी में भिगो लिया था। तो चावल उबल रहे हैं, कढ़ी उबल रही है, तब तक भिंडी फटाफट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे सरसों का तेल, उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, ज़ीरा और जो लहसुन हमने कूट रखा था। सरसों के तेल के अंदर जो भिंडी बनाते हैं ना वो बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है, थोड़ा ही तेल लेना है जिससे कि जो भिंडी है थोड़ी क्रिस्पी बनेगी। और भिंडी बनाने के लिए आप या तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करें या फिर स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल करें जिससे कि भिंडी में एक करारापन आएगा। तो कढ़ी देखिए हमारी उबल चुकी है, आधी हो गई है, गैस बंद कर दिया है। चावल भी हमारे बॉईल हो चुके हैं, तो चावल को हम छान लेंगे, सारा पानी निकाल देंगे। तो चावल रेडी हो गए हैं, इन्हें ढक करके रख देते हैं। भिंडी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, गैस को अब यहाँ पर हम बंद करेंगे और इसमें जो थोड़ा बहुत मसाला ऊपर से और डाल देंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। तो कढ़ाई गर्म है अभी, तो मसाला अच्छे से इसमें भून जाएगा और बहुत अच्छी सी एकदम मिर्ची की फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, खांसी आ जाए तब तक आपको इसको भिंडी को पका लेना है, तभी आपकी भिंडी जो है एकदम बढ़िया बन के, करारी बन के तैयार होगी। धनिया डाल देंगे, तो भिंडी रेडी हो गई है, चावल रेडी हो गए हैं। फटाफट से कढ़ी में तड़का लगा लेते हैं। कढ़ाई में डाल देंगे 2 टीस्पून के करीब तेल, घी में भी तड़का लगाया जा सकता है पर तेल का तड़का कढ़ी में अच्छा लगता है। हींग डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, राई डालेंगे और यहाँ पर 1 से 2 लहसुन कूट करके इसमें डाल देंगे। अच्छे से लहसुन को थोड़ा सा भुनने देंगे, उसके बाद इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। तो ये जो प्याज है बहुत थोड़ा सा प्याज है, मतलब 1 प्याज का आधा प्याज ही हमने इसमें डाला है, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाला है। लहसुन और प्याज को हल्का सा सुनहरा होने देंगे, उसके बाद इसमें मसाले में डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कलर के लिए डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें फटाफट से जो उबली हुई कढ़ी है उसे डाल देंगे। और जब इस तरीके का तड़का लगता है कढ़ी के अंदर तो कढ़ी का स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है और कश्मीरी लाल मिर्च डालने से एक बहुत अच्छी तरी आती है लाल कलर की कढ़ी के ऊपर। और स्वादानुसार नमक डालेंगे और हमारी गर्मा गर्म कढ़ी बनके तैयार है। धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे और फटाफट से कढ़ी चावल और भिंडी की सब्जी को सर्व करेंगे। तो बहुत ही सिंपल लंच है, जब कभी भी आपको कुछ लाइट खाने का मन हो और कुछ फटाफट बनाना हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक और नई और टेस्टी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।